हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज बोर मत होना। अगर आप लोग पहले से ही मोटिवेट हैं तो अच्छी बात है, इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए आप आगे बढ़ा लीजिए। अगर आप ओवर स्मार्ट हैं तब भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे डीमोटिवेट हैं वो यहाँ पर प्लीज इस कहानी को जरूर सुने। शायद आपको ये कहानी पहले से पता भी होगी। देखिए, एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था, मतलब जीवन का निर्वाह करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और अनेक प्रकार के कई रंगों के गुब्बारे थे। गुब्बारे मतलब बैलून। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वो हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते थे। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी डिक्रीज होती, घटती, तो वह उसे बढ़ाने के लिए एक गुब्बारे को उड़ाने का फॉर्मूला अप्लाई करता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि उसके जैकेट को पीछे से कोई खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? तो बच्चों, आपका आंसर क्या है इसमें? गुब्बारा है, हीलियम गैस है, कॉमन सी बात है, रंग कुछ भी हो पक्का उड़ेगा, यही होगा ना आपका आंसर? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत की होती है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर ले जाता है या फिर नीचे हमको गिरने पर मजबूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि आपका लास्ट टाइम आपने कोई फॉर्म भरा था वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एग्जाम का लेवल काफी टफ रहा, कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है, हर पोस्ट में सोर्स लगती है, घूस खाए बिना जॉब नहीं मिलती। तो इस तरह की जॉब की अंदरूनी जो ऊर्जा जनरेट हो चुकी है उसको रिमूव करिए। अभी आप चाहे जहां पर भी स्टैंड क्यों ना करते हो, आपका मैथ वीक है, आपका जीएस वीक है, आपके लिखने की स्पीड काफी कम है, आपकी पढ़ने की स्पीड काफी कम है, जो भी है नेगेटिव पॉइंट जो भी आपके अंदर है उस पर क्या काम कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में विचार करिए। उसको कैसे रिमूव करना है, अपनी कमियों को कैसे खत्म करना है, इस पर अभी से आज से विचार करिए। तो देखिए, आप चाहे गुब्बारे काले हों या फिर सफेद, उड़ान ऐसी भरेंगे, सफलता की सीढ़ियों पर आप चढ़ते चले जाएंगे। तो कर्म पर मैक्सिमम फोकस करिए। ज्यादा सोचने वाले हमेशा थोड़ा करते हैं, कम सोचिए, अपनी कमियों के बारे में थोड़ा कम सोचिए और उस कम पे ही अपना 100% लगा दीजिए कि हाँ, इस कमी को मुझे खत्म करना है। उसके बाद जैसे ही आप कमी को खत्म करते हैं, अगला जो वीक पॉइंट है उसको पकड़िए, उसको खत्म करिए। तो यही टास्क आप करते रहिए, डैम श्योर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सेट 3 प्रैक्टिस वर्कबुक। हम बात कर रहे हैं विद्यापीठ हरियाणा पुलिस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में जो आप बुक देख रहे हैं इसकी स्कैनिंग करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अगेन, और आपको सभी क्वेश्चन में करवाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, पहले वीडियो में सेट 1 में मैंने आपको दिया था लाइक का टारगेट 100, फिर दिया मैंने आपको 110, आज मैं देता हूँ आपको 120। उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइक का जो टारगेट आपको मैंने दे रखा है 120 लाइक आप कम से कम पक्का करेंगे। और ये लाइक आप सिंगल नहीं कर सकते हैं, ये लाइक जब आप शेयर करेंगे किसी वीडियो को, आपका फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करेगा, तो जितना मैक्सिमम लाइक होगा उतना ही ये वीडियो यूट्यूब पर सर्कुलेट होगा, और जितना सर्कुलेट होगा शायद ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच पाए जो काफी गरीब है, एक गांव में रहता है, जो बुक परचेज नहीं कर सकता, केवल 1 GB के डाटा पर डिपेंड है, और उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे शेयर के माध्यम से, लाइक करिए, शेयर करिए, टारगेट है 120 का। तो प्लीज बस मेरी इतनी सी गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को प्रमोट करिए।
हमने सेट वन सेट टू डिस्कस करे थे हमने पिछले वीडियो में, आज हम बात कर रहे हैं सेट थ्री की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेट थ्री, और एक से लेकर 100 तक की काउंटिंग किसी A4 पेज पे लिख लो। आप भी इसको अटेम्प्ट करिए पूरे प्रैक्टिस सेट को। अगर आपकी GS काफ़ी वीक है तो सबसे पहले आपको लूसेंट GK की बुक को ख़त्म करना है। लूसेंट GK की बुक की कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर है, वो बुक एक पेज से लेकर के लास्ट एंड तक कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो में से आप वॉच करिए, जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करवा रखे हैं उसको अपनी बुक में हाईलाइट करिए। चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती? नहीं बहती, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं ये वाले, अंबाला, यमुनानगर, करनाल या फिर पानीपत। तो थर्ड का सही जवाब जो है वो है आपका ए, अंबाला। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, जो बच्चे हरियाणा में है ना उनको पता होगा, जो लोग वहां से बिलोंग नहीं करते तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर टू, राइट आंसर है इसका बिजोलिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? रोहतक से, हिसार से, हांसी से या फिर गुड़गांव से? एक क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, राइट आंसर भी देना है केवल 10 सेकंड में। 10 सेकंड से ऊपर आप खर्च मत करना, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं। यहाँ का टाइम आप बचा करके मैथ में आप यूज करेंगे, राइट? बताइए इसका राइट आंसर क्या है थर्ड का। तो थर्ड का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा में मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर इसका होगा सी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? उदासीन मतलब जिसमें कोई भी फसल नहीं हो सकती, वो मृदा पाई जाती है कहाँ पर? सिरसा में, फरीदाबाद में, करनाल में, यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर फाइव राइट आंसर है इसका यमुनानगर। आगे बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? धनिया की, हल्दी की, लहसुन की या फिर मिर्च की? क्वेश्चन नंबर सिक्स सही जवाब है इसका हल्दी की। हिसार जिले में किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है? टोहाना, फतेहाबाद, हांसी या फिर सिवानी? क्वेश्चन नंबर सेवन सही जवाब है इसका ए, टोहाना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या फिर यमुनानगर? क्वेश्चन नंबर एट राइट आंसर है इसका डी, यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर नाइन है, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है वो पूछना है, जगह का नाम। क्वेश्चन नंबर नाइन सही जवाब आपको देना है इसमें, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर इसका दीजिए। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर टेन सही जवाब है इसका ए, गुड़गांव जिले के मानेसर में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, NH2 को हरियाणा वल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक चार मार्गीय बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इसका होगा ए। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है क्या? चेतना, जैन प्रकाश, जाट समाचार, दैनिक हरी भूमि? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब इसका होगा बी, जैन प्रकाश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? सहनाई, हारमोनियम, सारंगी या फिर इकतारा? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर है इसका सी, सारंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? खोड़िया, झूमर, फॉग या फिर डमरू? तो इसमें से सही आंसर हमको चूज करना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 14 का डी, जी डमरू नृत्य।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? हिरण दर्शन, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन, गौ दर्शन या फिर नीलकंठ दर्शन, इसमें से कौन सा अपशकुन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर है आपका, सही वो होगा आपका बी, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, छांदास भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? तो राइट आंसर आप निकालिए इसका, क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर इसका सी, 24 स्वर एंड 26 इसमें होते हैं आपके व्यंजन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, चैत्र या भाद्रपद में? क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब होगा इसका डी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अधिवृद्धि नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? सरस्वती, गंगा, सरोवर या फिर यमुना? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर, थोड़ा सोचिए, ए मत सोचिए, आंसर ये है। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने, जनसंघ पार्टी ने या फिर ये सभी? 19 राइट आंसर है, इन सभी ने इसका विरोध किया था कि पंजाब का विभाजन ना हो। चौधरी देवीलाल विवि कहाँ स्थित है? मुरथल में, सोनीपत में या फिर सिरसा में या फिर जींद में? तो राइट आंसर है इसका सी, सिरसा में। आगे बात करते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? जिमनास्टिक्स, जिमनास्टिक बोलते हैं इसको, दौड़, बैडमिंटन या फिर टेनिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये है आपका जिम्नास्टिक। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? पिछले वीडियो में लिंग अनुपात कितना था हमने ये पूछा था, और अगला जो सेट है इसमें पूछ रहा है कौन सा जिला है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला 0 से 6 आयु वर्ग में? गुड़गांव, हिसार, मेवात, सोनीपत? क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर है इसका मेवात। नेत्रहीन वयस्क हेतु प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वयस्कों को प्रशिक्षण दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, 15 से 30, 20 से 40, 18 से 45 या फिर 25 से 50? तो 23 राइट आंसर है इसका सी, 18 से 45। आगे बात करते हैं, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, हेमू या हुमायूं? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर है इसका हेमू। फिर हम बात करते हैं, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 14 नवंबर 2013 को, 16 नवंबर 2013 को, 15 नवंबर 2013 को, 17 नवंबर 2013 को? 25 सही जवाब है आपका ए, 14 नवंबर 2013 को। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है किसमें? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपके सामने। 26 राइट आंसर है इसका ए। फिर हम बात करते हैं, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ या फिर काली? 27 राइट आंसर है इसका सी, जलोढ़ मृदा। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश, ग्रीड तंत्र, देशांतर या भौगोलिक समन्वय? क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर है इसका डी। देखिए 10 सेकंड से ऊपर आपको एक भी क्वेश्चन में नहीं लेना है, ये पिछले वीडियो मैंने बोला था, अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ, इससे ऊपर आपको नहीं खर्च करना है किसी भी एक क्वेश्चन में। 10 सेकंड में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, ऑप्शन भी पढ़ना है, राइट आंसर अपना मार्क करना है इसमें, मतलब चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? मोस्ट 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 108 मोतियों की माला होती है, उतनी बार आप लोग मोस्ट बोलिए, उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर मुझे लगता है कि उनको पता कम से कम होना चाहिए जिनको तैयारी करते हुए 1 साल हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जीके काफी वीक है, सच में ये चीज मैं बोल रहा हूँ, आपकी जीके बहुत वीक है, तैयारी कर लीजिए फिर दोबारा से स्टार्ट, कोई स्टैंडर्ड बुक जाए उसको उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर मैं कम से कम नहीं बताना चाहता, ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए मुझे पता है कमेंट्स के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो पढ़ने वाले हैं जिनको नहीं आता उनको ना चले पता। 29 का राइट आंसर आएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 30 ये है आपका,
तुलय काली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है किसके? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व, बी। आगे बात करते हैं कि किस शहर में सड़क पर चलने वाला पंजीयत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। 31 राइट आंसर दिल्ली। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जल विद्युत कॉम्प्लेक्स कौन सा है? यह है टिहरी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा या फिर भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर क्या है इसका? डी, भागीरथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स था आपका भागीरथी में। अगला क्वेश्चन से आपका टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी या फिर यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब है वो है आपका भागीरथी। याद कर लेना इसको अगर गलत जा रहा हो आपका आंसर। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 34 सही जवाब है इसका यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं हम लोग कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना? 50, 60, 70 या 80%। 35 राइट आंसर है इसका 70%, सी। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य है नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में है? गलत, ये हमको चूज करना है इसमें। मौर्य, पाटलिपुत्र, पंड्या, मदुरई, पल्लव, वेल्लोर, काकतिया, वारंगल। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर है इसका सी, पल्लव, वेल्लोर में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, हमको सही मिलान करना है इसमें। इसमें आप 8 सेकंड, 10 सेकंड की जगह लीजिए, आप इसमें 20 सेकंड, बट इसका राइट आंसर दीजिए। अगर नहीं हो आपका सही जवाब तो इसको पेन डाउन कर लेना, जी हाँ, इसको लिख लेना कहीं पर, A4 पेज उठा लो। अगर अब तक आपने पेपर नहीं उठाया तो इसको उठा लो, वरना इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 37, ABCD आपके सामने चार ऑप्शन है, 37 पढ़िए। अब मैं हो रहा हूँ थोड़ा सा साइलेंस 20 सेकंड के लिए कम से कम। ये हिंट है आपके लिए, हाँ हिंट है आपके लिए। अब तो राइट आंसर चूज कर लो आप इसमें से, ABCD में से। तीन चार किसमें आ रहा है? तीन चार, चार तीन, तीन तीन, ये था पहले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए। सर लगाने वाले थे आपने पहले बता दिया आंसर। तो अगर आपका हिंट, अगर मार्को पोलो का इटली बैठ गया ना, अगर इवन बदलता आपको बता दो मोरक्को, तो अपने आपको एक नंबर दे ही दो, ठीक है। मतलब को नॉलेज है इस क्वेश्चन की। आगे हम करते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन? मंगोल, अफगान, तुर्क एवं एक जाट कबीला। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर है इसका सी, तुर्क। आगे बात करते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था क्या? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर है इसका तुकाराम, संत तुकाराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थे शिवाजी के समकालीन मराठा। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज एंड चौसा। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर है इसका सी, कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, अनपढ़ कौन सा था? 41 राइट आंसर है इसका सी, अकबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एक्चुअली देखो क्या था, महात्मा गांधी जी तो लॉयर थे, लॉ पढ़ के बाहर से वापस आए थे। यहाँ पे इन्होंने काफी टाइम थे, स्टार्टिंग में इनका विचार लॉ करने का था, वकील बनने का, अच्छा खासा फेमस वकील बनने का भारत में विचार था। लेकिन महात्मा गांधी जैसे ही भारत में वापस आए तो इनकी मुलाकात हुई राजनीतिक गुरु किससे, जिन्होंने इनका हृदय परिवर्तन कर दिया, महात्मा गांधी का। उसके बाद में ये समाज सेवी बन गए। तो उनके गुरु का नाम पूछ रहा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक काफी हॉट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना,
बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी के ऊपर जन्म कहाँ पे हुआ, माता का नाम, पिता का नाम और जो भी इनके आंदोलन थे वो सभी ईयर के साथ में याद कर लेना, वर्ष के साथ में याद करना। चार ऑप्शन सबके सामने पड़े हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, क्वेश्चन नंबर 43 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ पे हुआ था? साथ में जो सम्मेलन हुआ था, सूरत में, मुंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर है इसका लखनऊ। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन वाला वायसराय कौन था? एल्गिन, कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44 ये था आपका कैनिंग। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसे होता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, घट जाता है, सभी तापमान पर एक जैसा रहता है, या फिर तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता? क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 46 है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशिरसी, आभासी और अधोशिरसी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन सबको चूज करने हैं। 46 का राइट आंसर बनेगा आपका बी, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 47 बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो बात कर रहा है बोलोमीटर यंत्र है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? आवर्ती नापने के लिए, तापमान नापने के लिए, वेग या फिर तरंग दैर्ध्य नापने के लिए। 47 राइट आंसर है इसका बी, तापमान। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं चिन्ह के किस भाग से होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या फिर आपका मध्य। 48 सही जवाब है इसका सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अरक्तता या अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन एंड हाइओग्लोबिन या फिर मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर है इसका ए, हीमोग्लोबिन। फिर हम बात करते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा, रजत, तांबा एंड स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर है इसका ए, लोहा। आगे हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? प्रोजेस्टोरेन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर डी, हीमोग्लोबिन। 51 सही जवाब इसका होगा ए, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 52 प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर डच। 52 राइट आंसर इसका होगा बी, लैटिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ल्ड फ्लू सॉरी बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया जाता है इतने सेल्सियस से ऊपर, 60, 70, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर होगा उसका 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाने पर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं प्रतिजैविक, क्या होता है? स्टेटमेंट लंबी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, टाइम ले लीजिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्टी फोर सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 55 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है क्या? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब बनेगा इसका आपका ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है क्या? चार ऑप्शंस पढ़िए। फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? सल्फाइड, अयस्क, ऑक्साइड, सल्फेट या फिर क्लोराइड। 57 सही जवाब होगा इसका ए, सल्फाइड अयस्क। आगे हम बात करते हैं फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर
सल्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। 58 राइट आंसर ब्रोमाइड मतलब ए। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। 59 सोचिए, याद करिए, इनमें से कौन सा है? इनमें से होगा ए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने। 60 राइट आंसर क्या होगा देखिए, राज्यों का संघ। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। 61 है प्रेस की स्वतंत्रता, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? 19, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। राइट आंसर ए 19। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, और लॉक कर दीजिए अपना राइट आंसर और ओके कर दीजिए, एक नंबर दे दीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको सबको इसका आंसर पता होगा। हिंट दूँ आपको, इसका भी हिंट चाहिए आपको? ये क्या थे, मिसाइल मैन के नाम से भी फेमस थे। अब बताइए, एक साइंटिस्ट थे जो बाद में बने राष्ट्रपति। छोड़ो भाई, बता देता हूँ आंसर, बढ़ो आगे चलो, ठीक है, इसमें इतना टाइम लेने की भी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ए बी सी डी आपके सामने चार ऑप्शन। 63 राइट आंसर आपको चूज करना है, तो इसका राइट आंसर है आपका, राष्ट्रपति और संसद दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, कानून का निर्माण करते हैं भारत के। 64 है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या फिर न्यायपालिका। तो 64 जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बनते हैं भारत में, उनका इम्प्लीमेंट जो करवाता है वो करवाता है आपका न्यायपालिका। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की थी? पढ़िए, प्रताप सिंह कैरो, भैरव सिंह शेखावत, ज्योति बसु या फिर देवी लाल। ले लीजिए 10 सेकेंड, 5 सेकेंड क्वेश्चंस पढ़िए, 3 सेकेंड लीजिए सोचने में। राइट आंसर 65 राइट आंसर है इसका, ज्योति बसु। बाकी क्वेश्चंस यहाँ तक जीके के थे, सभी क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए आपको। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े इसको मेंटेन करने के लिए, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको दिखा रहा हूँ मैं सभी क्वेश्चंस, यहाँ पे हमको करना है क्या करना है। 66 में विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर, वो सिनोनिमस था या अपोजिट है? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। वीडियो को पॉज करते रहना, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज कर लो, अपना राइट आंसर दो उसमें। 78, 79, 80 चार ऑप्शंस, 81 चार ऑप्शंस, 82 चार ऑप्शंस, 83 चार ऑप्शंस क्लियर हो रहे हैं। 84 में ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस क्लियर। 85, 86, 87, 87 ये रहा क्वेश्चन ये है, और 89 का ऑप्शन बनेंगे आपके सामने ये। 90 चार ऑप्शन ये रहे, 91 चार ऑप्शन ये रहे, 92, 93, 94, 95, 95 के चार ऑप्शंस ये थे। पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना इस वाले को, उसके बाद में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे जैसे जैसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना आप। स्वाति का शोक क्या है, ये क्वेश्चन था, चार ऑप्शन आपके सामने, और ये है आपके सामने कंप्लीट आंसर की 1 से लेकर 100 तक। यही वीडियो को पॉज कर लीजिए और निकालिए अपनी फाइनल, आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने कितना स्कोर गेन करा, कितने सही कितने गलत, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और इसी के साथ इस बुक में ये भी दिया गया है, रियो ओलंपिक 2016 में क्या क्या घटित हुआ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है, आप याद रखना इसको, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में ओलंपिक आयोजन 1 नज़र में कहाँ कहाँ पर क्या हुए और भावी अभी कहाँ होने वाले हैं,
2016 में कहाँ हुए थे, ये सब देख लेना आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैक्सिमम शेयर करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए। टारगेट था, मैंने आपको बताया था, टारगेट है आपकी बार का 120। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझको इतने लाइक ज़रूर मिलेंगे। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन, नई टॉक लाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। चिंता मत करिए, एग्जाम पास आने तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। भाग मिल्खा भाग कंटिन्यू, आपको बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो उस वक्त मिलेंगे। अभी शायद थोड़ा सा गैप आपको मेंटेन करना पड़े इस वीडियो को लेकर के। चिंता मत करिए, आप अपनी स्टेट की जीके तैयार रखिए कम से कम, और अगर स्कोर कम आ रहा है तो लूसेंट की बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में दोनों चीज़ को बना के चलिए, लूसेंट की वाली बुक पढ़ लीजिएगा और साथ में अपनी स्टेट की कोई भी जीके की बुक परचेस कर लीजिए। दोनों को ख़त्म करिए अगर जीके आपकी कमज़ोर है तो। और आप इन सभी के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इन सभी बुक के कंप्लीट वीडियो। और परचेस करना चाहे तो परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस बुक का लिंक दे रखा है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और बुक का परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे करिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जुट जाओ तैयारी में, सफलता पक्का मिलेगी। थैंक्स।